थैंक्स फॉर क्लिकिंग एंड कमिंग टू द चैनल। नमस्कार, मु नीलाद्रि आउ आज आपनकर स्वागत करूची सहज इंग्रजी रो आउ गोटे नुवा चैप्टर को। तो आज हमें टिके ग्रामर देखिबा, सेंटेंस आउ टाइप ऑफ सेंटेंस। जदि एपर्यंत आपन आम चैनल को सब्सक्राइब करना है तले सब्सक्राइब करनियंतु आउ हम फेसबुक पेज सहज इंग्रजी को फॉलो करियो को भूलिबेनी लेटेस्ट अपडेट्स पाइबा पई। चलत तले स्टार्ट करिबा। तो फर्स्ट सेंटेंस बा जहाँ कोडियारे आम वाक्य कहचे गोटे वाक्य क्या कहवा आम जदि व्याकरण हिसाब से गोटे मीनिंग थिबा भलिया किसी शब्दपुंज आम नौचे गोटे वाक्य कह मान किसी शब्द को मिसेकी ग्रामेटिकली व्याकरण हिसाब से ठीक थिबा किसी गुट शब्दर आरेंजमेंट जहाँ कि मीनिंग को एक्सप्रेस करें गोटे वाक्य सेंटेंस कह। तो इंग्लीश कहले प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अ मीनिंग जे गोटे मीनिंग और किसी गोटे एक्सप्रेशन को जनाए ताकू वाक्य कहे गोटे सेंटेंस बोली कहे। तो प्रॉपरली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस मीनिंग और ग्रामेटिकली करेक्ट बा ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामेटिकली करेक्टेड वर्ड्स जी गोटे मीनिंग को एक्सप्रेस करुचे गोटे सेंटेंस कहचे। सेंटेंस आम थ्री टाइप्स अच्छे बेसिकली सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो आज आम देखा सिंपल सेंटेंस। तो बेसिकली सेंटेंस रे थाए कौन गोटे सेंटेंस गोटे वाक्य दीटा जिनस थाए कर्ता क्रिया मु स्कूल को जाए एठी मु हला कर्ता स्कूल को जाए हला क्रिया। तो आम जदि कह एक्जाक्टली केमी जानवा कर्ता कौटा क्रिया कौटा जो आम हु कि व्हाट कर पचार गोटे क्वेश्चन पचार आमको आंसर मिल जाव कि कर्ता किए सब्जेक्ट किए। तो जदि गोटे सेंटेन्स नेबी राम इज ब्रेव तो राम ब्रेव अटे। तो ये आम जब पचार हु इज ब्रेव ताले आंसर आसीबो राम और राम। तो राम हला एठी सब्जेक्ट जी गोटे किसी कार्य को बुझौ थाए सब्जेक्ट रिचि काम आक्शन किसी जिनस को बुझौ थाए सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करें कहे क्रिया। तो राम डूइंग व्हाट और व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट राम राम इज ब्रेव। तो इज ब्रेव से ब्रेव से क्रिया। तो गोटे सिंपल सेंटेन्स दुईटा जिनस था गोटे सब्जेक्ट और गोटे प्रेडिकेट गोटे सब्जेक्ट फॉलोड बाय अ वर्ब। तो से जिनस को आम कहे कि गोटे सिंपल सेंटेंस गोटे साधारण वाक्य बहुत ही सिंपल फॉर्मेटर अच्छे मो स्कूल को जाए राम सबुदिन नौटे गाधेवा को जाए। तो यहाँ है सिंपल सेंटेंस गोटे सब्जेक्ट और तार क्रिया को बुझ वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट और वन सब्जेक्ट किंबा गोटे फाइनाइट वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस भी आहुरी क्लासिफिकेशन अच्छी डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस आम क्या कहे जे किसी फैक्ट्स बा किसी ओपिनियन जो सेंटेंस आम दूचे से है डिक्लेरेटिव। जदि आम एग्जांपल नवा तो आम कहीपर पृथ्वी है आम सौरमंडल आम सौरजगतर तृतीय ग्रह और अर्थ इज द थर्ड प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हु इज द थर्ड प्लानेट अर्थ। तो अर्थ है ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट आउ भाव से समूह टी है इज द थर्ड प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम और इन द सोलर सिस्टम। तो यहाँ है गोटे सिंपल सेंटेंस जोटा कि गोटे फैक्ट को डिफाइन करप्रेस कर डिक्लेरेटिव माई फ्रेंड इज अ वेरी ब्रेव गाय। तो हु इज अ वेरी ब्रेव गाय माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड हूँ ये सब्जेक्ट इज अ वेरी ब्रेव गाय है प्रेडिकेट। देन आम जीवा सेकेंड टाइप अफ सिंपल सेंटेन्स इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या आम कहे जो थे आम गोटे सजेसन दूचे कि गोटे आडभाइस करुचे कि किसी अर्डर करुचे किसी रिक्वेस्ट करुचे आम कि कमाण्ड दूचे से सेंटेन्स को आम कहे इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिवस आम एक्जाम्पल नहीं जावा क्लोज द डोर यहाँ गोटे अर्डर कले जन को कि डोर टा क्लोज कर दिया और
would you like to have tea? तो एटा रिक्वेस्ट करुचे, एटा भी आमर इम्पेरेटिव सिंपल सेंटेंस रे जीवो, बा डियर कैन यू प्लीज क्लोज द डोर, एठी हमें रिक्वेस्ट करुचे, सेटा भी गोटे इम्पेरेटिव सेंटेंस रे जीवो. इम्पेरेटिव बेसिकली हला जोठी हमें सजेशन ऑर्डर्स कि किछ रिक्वेस्ट करुचे से सब जगह रे से सब सेंटेंस गुडी को हमें इम्पेरेटिव सिंपल सेंटेंस कहुचे. थर्ड टाइप हला एक्सक्लामेटोरी. एक्सक्लामेटोरी कौन? एक्सक्लामेटोरी हला आपनकर जोठी आपनकर किछ इमोशंस अछि. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर. ओके, और हाउ ब्यूटीफुल द फ्लाइज. तो ए सब एग्जांपल्स हला हमर एक्सक्लामेटोरी जोठी हमें किछ इमोशंस को एक्सप्रेस करूचे किछ इमीडिएट सिचुएशन को एक्सप्रेस करूचे ताको हमें एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस कहूचे सिंपल फॉर्म रे सेंटेंस रा. लास्ट हला हमर इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव माने बेसिकली क्वेश्चन मार्क. किछ यदि हमें क्वेश्चन करूचे सोडा सब इंटरोगेटिव सिंपल सेंटेंस रे आसीबो. इंटरोगेटिव भीतर हमर रहला आर यू गोइंग टू द स्कूल, विल यू गो विथ मी, आर यू रेडी. तो ये सब जिनस हला इंटरोगेटिव. तो आज हमें जान लिया सेंटेंस कौन, सेंटेंस रे कौन कौन थाए, आउ अपन कर डेफिनेशन कौन सेंटेंस रा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस रा फर्दर डिविजन कौन कौन अच्छी, आउ केते प्रकार सिंपल सेंटेंस अच्छी. तो हमें देख लिया डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव्स, एक्सक्लेमेटरी एंड इंटरोगेटिव. तो से गुड़िक कौन भी आम जाने एग्जांपल भी बुझीगले. आशा करूँ आज टॉपिक बहुत भल लगी आम सहित जोड़ी रुहतु आ सब्सक्राइब करनी सब्सक्राइब करना. फेसबुक पेज को फॉलो करने को भूल लाइक भी करें आम करेन्ट अपडेट्स से आसुची. आउ पुणी देखा हाँ गोटे नुआ टॉपिक रे सहज इंग्राजी रे आसंता काली. से पर्यंत मत विदाय दिंतु आपर केयर निर्तु भल रुंतु. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.